हेलो दोस्तों, गैजेट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि है वीवो Y31L। ये फ़ोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है और बॉक्स पर इसकी प्राइस 9,990 रुपये लिखी है, लेकिन ये आपको लगभग 8,200 तक का मिल जाएगा किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन वीवो स्टोर पर। ये फ़ोन 4G इनेबल्ड भी है। बॉक्स में जो हमारे पास मॉडल है वो ब्लैक कलर का है। फोन के साथ साथ आपको क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड भी मिलता है, साथ ही एक वाइट कलर का चार्जर है जिसकी पावर रेटिंग 5 वोल्ट 1 एम्पियर है। साथ ही USB टू माइक्रो USB केबल है और आपको ईयरफोन भी प्रोवाइड करे हैं जिसमें कि माइक्रोफोन के साथ साथ प्ले और पॉज बटन भी है। इस फ़ोन में आपको पीछे 8 मेगापिक्सल कैमरा और LED फ्लैश दिया है और नीचे स्पीकर्स हैं। फ़ोन के बॉटम में आपको USB पोर्ट दिया गया है जो कि चार्जिंग और डेटा सिंकिंग के लिए यूज़ होगा, और इसमें आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं क्योंकि ये फ़ोन OTG को भी सपोर्ट करता है, और माइक्रो USB पोर्ट के पास एक माइक्रोफोन भी है। टॉप में बस आपको 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है और राइट साइड में वॉल्यूम कंट्रोल्स के साथ साथ पावर बटन भी है। फ्रंट साइड में आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है, और नीचे आपको 3 कैपेसिटिव बटन दिए गए हैं, रीसेंट ऐप, होम और बैक बटन। ये फ़ोन ड्यूअल सिम डिवाइस है, इसमें आपको 2 माइक्रो सिम लगती है और साथ ही इसमें 2200 mAh की बैटरी और SD कार्ड सपोर्ट भी है। इसमें आप 128 GB तक का SD कार्ड लगा सकते हैं। ये फ़ोन ऑलरेडी सेटअप करा हुआ है। इस फ़ोन में आपको 4.7 इंच की का डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन 960x540 पिक्सल्स है जो कि HD नहीं है, लेकिन इस स्क्रीन साइज़ के हिसाब से ये डिस्प्ले पिक्सलेटेड बिल्कुल भी नहीं लगता। इस फ़ोन में जो OS है वो वीवो का खुद का OS है जो कि एंड्रॉयड पे बेस्ड है, जिसका नाम फन टच OS है जो कि 5.1 के साथ आता है, लॉलीपॉप के साथ आता है। फर्स्ट लुक में लेकिन ये OS पूरा का पूरा Apple iOS से इंस्पायर्ड लगता है, इसकी आइकन डिज़ाइन और UI डिज़ाइन को देखकर। इस फ़ोन में आपको 1.2 GHz का स्नैपड्रैगन का 410 चिपसेट मिलता है और साथ ही 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी का कॉम्बिनेशन भी मिलता है। प्रोसेसर के लिहाज से 410 चिपसेट काफ़ी पुराना CPU है, जबकि आज हमें 430 मिलता है Redmi 3S Prime में सेम प्राइस ब्रैकेट में।
कैमरा यूआई भी पूरा पूरा iOS इंस्पायर्ड लगता है या कॉपी लगता है, यूआई स्टाइल और बटन आइकन बटन डिज़ाइन को देखकर। कैमरा की फोकसिंग स्पीड और शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है और शुरुआती सैंपल्स को देखकर ये लगता है कि कैमरा अच्छा है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अभी शुरू में कोई लैग नहीं लगा, पर शायद हैवी मल्टीटास्किंग या गेमिंग में इसका सही टेस्ट हो। इस फ़ोन का गेमिंग रिव्यू और यूआई का इंट्रोडक्शन मैं नेक्स्ट अगले वीडियोस में दे पाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल के और भी वीडियोस देखने के लिए हमें ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने सवाल और इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को आप अपने सभी के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।